पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज सुफियान इकराम। तो आज हम फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस के चैप्टर नंबर 3 का जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है, चैप्टर का नाम भी डेटा कम्युनिकेशन है, और जो फर्स्ट टॉपिक है जिसको उन्होंने ओवरव्यू के अंदर डिस्कस किया हुआ है वो भी डेटा कम्युनिकेशन है। तो बेसिकली डेटा कम्युनिकेशन क्या है? डेटा कम्युनिकेशन दो कंप्यूटर्स यानी एक सेंडर और एक रिसीवर दोनों के दरमियान डेटा के ट्रांसफॉर्मेशन यानी ट्रैवल करवाने के प्रोसेस को डेटा कम्युनिकेशन कहा जाता है। अब नॉर्मली डेटा कम्युनिकेशन एक सेंडर रिसीवर के दरमियान होती है, और डेटा जो है वो किसी ना किसी मीडियम के थ्रू यानी किसी जरिए से एक जगह से दूसरी जगह यानी एक कंप्यूटर या दूसरे कंप्यूटर तक या फिर सेंडर से रिसीवर तक पहुंचता है। अब वो मीडियम या तो वायरलेस हो सकता है यानी सिग्नल्स हो सकते हैं यानी रेडियो वेव्स के थ्रू डाटा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, ब्लूटूथ के थ्रू डाटा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, या एक पुरानी टेक्नोलॉजी इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी होती थी वो भी वायरलेसली डाटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजती थी। इसी तरीके से अगर बात करें तो हमारे पास वायर्ड ट्रांसमिशन मीडियम भी हो सकता है या मीडिया भी हो सकता है जिसके थ्रू जो है वो हमारा डाटा सेंडर से रिसीवर तक पहुंचता है। अब वो वायर्ड मीडिया के अंदर नॉर्मली केबल्स आ जाते हैं। तो इसी प्रोसेस को, सारे के सारे प्रोसेस को हमारी बुक इस तरीके से डिफाइन करवाती है, कहती है द टर्म डेटा कम्युनिकेशन कैन बी जनरली डिफाइंड एज द मोमेंट ऑफ एनकोडेड इंफॉर्मेशन। एनकोड का मतलब होता है कन्वर्ट हो जाना। अब वो नेक्स्ट स्लाइड में इंशाल्लाह एनकोडेड को अच्छे तरीके से देखते हैं। एनकोडेड इंफॉर्मेशन बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन सिस्टम। अब नॉर्मली हमारा जो डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के थ्रू ट्रैवल करता है। इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को एज अ कैरियर वेव्स इस्तेमाल किया जाता है और जिनकी मदद से जो है वो डाटा एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन सिस्टम फ्रॉम वन कंप्यूटर और डिवाइस टू वन अदर कंप्यूटर और डिवाइस। तो जारी बात है जो सेंडर और रिसीवर दोनों कोई ना कोई कंप्यूटर या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं जिनके दरमियान, अब वो कहते हैं थ्रू कम्युनिकेशन चैनल। अब ये दरमियान में हमारे पास एक कम्युनिकेशन चैनल है सच एज केबल्स। अब ये या तो केबल्स हो सकते हैं या कोई वायरलेस मीडिया हो सकता है। अब डेटा कम्युनिकेशन की जो डायग्राम हमारी बुक में दी हुई है वो कुछ इस तरीके से है कि दो कंप्यूटर्स हैं और दोनों कंप्यूटर्स के दरमियान डेटा कम्युनिकेशन का प्रोसेस यानी एक बॉडी से किसी डेटा या मैसेज का निकलना और दूसरी बॉडी तक पहुंचना। तो इसी प्रोसेस को मैं एक और डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ। सो सबसे पहले हमारे पास डेटा कम्युनिकेशन के प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए एक सेंडर का होना ज़रूरी है और इसी तरीके से दूसरे एंड पे एक रिसीवर का होना ज़रूरी है। और नॉर्मली इन दोनों कंप्यूटर्स के दरमियान कोई ना कोई मीडियम होता है, जैसे अभी हम पीछे डिस्कस कर रहे थे, या तो कोई वायर्ड मीडियम होगा या फिर कोई वायरलेस मीडियम होगा। तो अब इन दोनों के दरमियान कोई ना कोई मीडियम भी मौजूद है। अब ये जो दो दो बॉक्सेस डिस्प्ले हुए हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं एनकोडर और डिकोडर को। अब एनकोडर डिकोडर क्या चीज़ है अभी एक मिनट में आपको पता चल जाएगा। अब नॉर्मली क्या होता है कि जो सेंडर होता है वो डाटा को जनरेट करता है और जनरेट करने के बाद उसको सेंड करता है। तो हमारी डाटा जो है वो एक एनकोडर डिकोडर के पास आता है और फिर ट्रैवल करके नेक्स्ट एनकोडर डिकोडर तक जाता है और वो फर्दर रिसीवर तक पहुंचता है। अब ये प्रोसेस क्या है, हम इस बात को तो अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारे जो कंप्यूटर्स हैं वो आजकल डिजिटल कंप्यूटर्स हैं। 0-1 की फॉर्म में सारा का सारा डाटा जनरेट करते हैं यानी डिजिटल सिग्नल्स में सारे के सारे डाटा को जनरेट करके ट्रैवल करवाने की कोशिश कंप्यूटर्स की तरफ से की जाती है। अब कंप्यूटर जो है इट मीन्स दैट के हमेशा डिजिटल सिग्नल्स को ही जनरेट करेगा और डिजिटल सिग्नल्स को ही एक्सेप्ट करेगा। कंप्यूटर एनालॉग सिग्नल्स को नहीं समझ पाता। तो बेसिकली कंप्यूटर जब भी डाटा सेंड भी करेगा तो वो डिजिटल फॉर्म में करेगा और रिसीव करेगा तो भी डिजिटल फॉर्म में करेगा। जबकि हमारे जो डाटा है वो लॉन्ग डिस्टेंसेस के ऊपर डिजिटल फॉर्म में ट्रैवल करवाना इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टास्क। लॉन्ग डिस्टेंसेस पे हमारे एनालॉग सिग्नल्स ट्रैवल करते हैं, डिजिटल सिग्नल्स जबकि ट्रैवल नहीं करते। अब अगर डिस्कस किया जाए इस एनकोडर और डिकोडर को, तो एनकोडर डिकोडर का प्रोसेस या उसका उसकी वर्किंग क्या है कि डिजिटल सिग्नल्स को ये कन्वर्ट करता है एनालॉग सिग्नल्स के अंदर, ठीक है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एनकोडिंग। और
इसी तरह ये एनालॉग सिग्नल्स को दोबारा कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल्स के अंदर, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिकोडिंग। तो अगर इसको एक्सप्लेन किया जाए, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल इज कॉल्ड एनकोडिंग, एंड इसी तरीके से द कन्वर्जन ऑफ द या फिर द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनालॉग सिग्नल्स इनटू डिजिटल सिग्नल्स इज कॉल्ड डिकोडिंग। तो अब एनकोडिंग और डिकोडिंग की बात अगर हमें समझ आ गई, तो हमारा ये जो एनकोडर डिकोडर है, इसका यही काम है कि ये डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में कन्वर्ट करता है, या फिर अगर इसको एनालॉग सिग्नल मिले तो ये उनको डिजिटल में कन्वर्ट कर देता है। तो अब इस प्रोसेस को समझने के बाद हमें इस चीज़ की कन्फर्मेशन हो जानी चाहिए कि इस प्रोसेस में टोटल 5 कंपोनेंट्स हैं, यानी एक सेंडर है, रिसीवर है, मीडियम है, डेटा है, और एनकोडर डिकोडर। अब वर्ड है जी कंपोनेंट। कंपोनेंट कहते हैं अज्जा को। अज्जा नॉर्मली उन चीज़ों को कहा जाता है जिनके थ्रू या जिनके बगैर कोई एक चीज़ भी जिसमें से कम हो हमारा वो प्रोसेस परफॉर्म ना होता है। यानी अगर इस कम्युनिकेशन के प्रोसेस की बात करें, तो अगर हम सेंडर ना हो, बाकी तमाम की तमाम चारों चीज़ें मौजूद हों, तो अगर सेंडर ही मौजूद नहीं होगा तो डाटा सेंड कौन करेगा। इसी तरीके से अगर बात करें जी रिसीवर की, तो अगर जनाब रिसीवर ही ना हो, डाटा सेंडर हो, सेंडर ने डाटा को सेंड कर दिया, वो मीडियम के थ्रू ट्रैवल करता हुआ दूसरे एंड पे पहुंचा, वहाँ पे कोई रिसीवर ही नहीं था, तो हमारी कम्युनिकेशन जो है वो सही तरीके से प्रोसेस परफॉर्म नहीं हो पाएगा। इसी तरह अगर सेंडर और रिसीवर के दरमियान हमारा कोई मीडियम ही मौजूद ना हो, यानी कोई वायर या केबल या फिर कोई वायरलेस सिग्नल मौजूद ना हो, तो सेंडर और रिसीवर के दरमियान डाटा की कम्युनिकेशन नामुमकिन है। इसी तरह अगर बात करें कि हमारे पास डाटा को कम्युनिकेट करवाने के लिए कोई डाटा ही मौजूद नहीं है, तो हम ये डाटा के कम्युनिकेशन का प्रोसेस ही परफॉर्म नहीं करते। और इसी तरह अगर आगे चलें तो कहते हैं जी एनकोडर डिकोडर। नॉर्मली एनकोडर डिकोडर जो डिवाइस है उसको हम मॉडेम कहते हैं, मॉडेम के नाम से पहचाना जाता है। तो अब एनकोडर डिकोडर का प्रोसेस जो है, एनकोडिंग और डिकोडिंग का प्रोसेस जो है, एनकोडर डिकोडर परफॉर्म करता है। और चूंकि हमारा डाटा जो है वो लॉन्ग डिस्टेंसेस पे जब ट्रैवल करना होता है, तो वहाँ पे फिर एनकोडर डिकोडर की इंतहाई ज़रूरत होती है। तो उम्मीद है जी आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच जी। अपना और अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखिएगा, और मेरा यानी सुफियान इकराम का सलाम पहुँचाइएगा। अल्लाह हाफिज़।